नमस्कार वीक्षकरे, यस न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस ನಲ್ಲಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ತೌಸಿಫ್. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. इस वक्त में हम लोग यहाँ पे एक बहुत अहम ऐलान के लिए जमा हुए हैं. वो है राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का एक रियासती लेवल का एक प्रोग्राम बीजापुर शहर में होने जा रहा है. और ऐसा नहीं है कि ये राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा कोई नई चीज़ है, बल्कि जो है बहुत पहले से जो है ये राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा मौजूद है. और उसके ज़रिए से जो है जो सबसे बड़ा काम होने जा रहा है वो ये है कि बहुजन समाज जो है SC ST एंड OBC, तो ये सारे लोगों के अंदर में हमको भाईचारा कायम करना है. तो उसके लिए जो है ये प्रोग्राम का शहर बीजापुर में इनेकाद किया जा रहा है. और ये प्रोग्राम का एक बड़ा मकसद ये है कि इस वक्त में गवर्नमेंट ने जो UCC का मुद्दा उठाया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मुद्दा उठाया है, तो वो जो है सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, बल्कि जो है ये पूरे मुल्के भारत के लोगों का मुद्दा है. तो इसलिए जो है UCC के ताल्लुक से जो हमारे मुसलमान भाई या के जो गैर मुस्लिम भाई हैं वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में हैं. और गवर्नमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड और कॉमन सिविल कोड दोनों को जमा कर रही है. तो ऐसा ना हो इसके लिए जो है राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का ये प्रोग्राम हो रहा है. तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इसके अंदर में जो है मुसलमानों के अलावा जो है यहाँ के जो गैर मुस्लिम तबकात हैं, जैसे लिंगायत समाज के लोग हैं और शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, तो वो सारे के सारे इंशाल्लाह इसके अंदर में शरीक रहेंगे. और जो है हमारे शहर बीजापुर से भी जो है माशाल्लाह अभी कल एक दिन पहले जो है उलमा कमेटी के ज़ेर निगरानी में एक जो है कुल तंजीमी जोड़ हुआ था. सारे तंजीम वालों को, सारे ऑर्गेनाइजेशन वालों को जोड़े थे. तो वहाँ भी जो है UCC के ताल्लुक से बहुत सारी बातें आई हैं. और वहाँ भी हमने दरख्वास्त की कि आप तमाम तंजीमें जो है वो राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के प्रोग्राम में आएँ. तो वहाँ हमने दावत दी, तो सारी तंजीमें जो बीजापुर की सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो वो भी इंशाल्लाह जो है हमारे प्रोग्राम के अंदर में शरीक रहेंगी. तो ये प्रोग्राम जो है बहुत इंफॉर्मेशन वाला होने वाला है और बहुत जो है इससे जो है हमको बहुत सारी सीख मिलेगी और समझने का मौका मिलेगा कि इस वक्त में जो है भारत के अंदर में क्या सियासी हलचल चल रही है और मुसलमानों का क्या स्टेप होना चाहिए ऐसे मौके पर. चूँकि 2024 का इलेक्शन सामने है, तो जो पार्टी इस वक्त में सत्ता में है तो वो जो है बहुत सारे दावपेच इस्तेमाल कर रही है. तो हमको जो है बहुत होशियारी के साथ में काम करने की ज़रूरत है. तो ऐसे मौके के लिए जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का इस्तेमाल किया जा रहा है. तो उसकी सारी वजाहतें जो है इंशाल्लाह वहाँ पर पेश की जाएंगी. और इसमें जो है नेशनल लेवल के कुछ लोग भी आ रहे हैं, जिनमें जो है बिलखसूस राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रेसिडेंट जो है वो इंजीनियर सैयद मकसूद साहब, तो वो भी तशरीफ ला रहे हैं. और इसके अलावा दासाराम नायक जो है जो नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं BMP के, वो भी आ रहे हैं. मौलाना फ़हीम उमरी साहब नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, वो भी आ रहे हैं. और उषा दास मैडम भारत मुक्ति मोर्चा के, वो जो है महिला विंग के जो है प्रेसिडेंट हैं, वो भी आ रही हैं. और इसी तरह जो है एडवोकेट मोहम्मद ख्वाजा अनीस साहब जनरल सेक्रेटरी RMM तेलंगाना, तो ये भी आ रहे हैं. तो ये बहुत सारे लोग इंशाल्लाह जो है वो आ रहे हैं नेशनल लेवल के, और बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे सामने आएंगी. और शहर बीजापुर से जो है जितनी तंजीमें हैं उन सबको हमने इन्वाइट किया है, वो भी लोग आ रहे हैं. और भी बहुत सारे जो बीजापुर के ज़िम्मेदार लोग हैं उनको भी हमने इन्वाइट किया है, तो वो भी इंशाल्लाह आएंगे. तो अब जो है हम पूरे शहर बीजापुर के तमाम वासियों से, के मुसलमान ही नहीं SC ST OBC और माइनॉरिटीज़, ये सारे लोगों से हम दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप तमाम अहबाब जो है वो इसी इतवार को, जो 9 तारीख है 9 जुलाई को, आप जो है हमारे सुबह में बरोज़ इतवार सुबह 10 बजे जो है वो आलमगीर फंक्शन हॉल के अंदर में पहुंचने की फ़िक्र करें. इसी के लिए ये प्रेस मीट हो रहा है.
9 जुलाई बरोजे इतवार सुबह 10 बजे से आलमगीर फंक्शन हॉल के अंदर में ये प्रोग्राम होगा। तो आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि आप जो है वहाँ पहुँचने की फ़िक्र करें और हमारी इस छोटी सी दावत को कबूल करके वहाँ पर आने की फ़िक्र करें। इंशाल्लाह इससे जो है पूरे मुल्क के भारत के लोगों का बड़ा फ़ायदा होगा। वस्सलाम शकील अहमद। कितने लोग जमा होने तो वो हॉल की कैपेसिटी ही 400-500 लोगों की है, तो उतने ही लोग वहाँ पर हो सकते हैं, उससे ज़्यादा तो मुमकिन नहीं। सभी लोगों को तो ज़िम्मेदार किस्म के लोगों को हम लोग बुला रहे हैं, तो हर किस्म के जो ज़िम्मेदार किस्म हर धर्म के जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनको हम लोग दावत देने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर क्या चर्चा करना है? उसमें बड़ा जो सबसे अहम मुद्दा रहेगा वो UCC का मुद्दा रहेगा, सबसे अहम मुद्दा। बाकी जो है SC ST OBC एंड माइनॉरिटी के बीच में भाईचारा कैसे कायम हो, ये भी जो है वहाँ पर हम लोग बातचीत करेंगे, ज़रूरत है इस वक्त की सबसे बड़ी। डेल्टा लर्न ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस लाया है आपके लिए सुनहरा मौका। स्पोकन इंग्लिश आजकल ना सिर्फ एक शौक है बल्कि अहम ज़रूरत बन चुका है। अगर आप लोग घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हो तो अभी हमारे एक्सपर्ट से संपर्क करें 999 और 8050828793। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा वतियिंद कर्नाटक राज्यद प्रथम ರಾಜ್ಯ ಅಧಿವೇಶನ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು 9 ಜುಲೈ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ 2 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ವೆನ್ಯೂ ಆಲಮಗೀರ್ ಶಾದಿಮಹಲ್ ನಿಯರ್ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬಿಜಾಪುರ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮೋರ್ಚಾ ಇದು ಮುಸಲ್ಮಾನರದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಭಾರತ್ ಮುಕ್ತಿ ಮೋರ್ಚಾ ಮತ್ತು ಬಾಂಬ್ಸೆಫ್ದು ಆಪ್ಸಿಟ್ ವಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಕೆಲಸ ಏನೆಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ SC ST OBC ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಯಿಚಾರ, ಸೌದರತೆ, ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಬ್ರದರ್ಹುಡ್, ಜಸ್ಟಿಸ್, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧ, ಬಸವ, ಸಮಾನತೆ, ಬಂಧುತ್ವ, ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬುದ್ಧ, ಬಸವ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಟಿಪ್ಪು ಈ ವಿಚಾರದ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜನ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇದು ಪರಸ್ಪರ ಬಂಧುತ್ವ ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಅಧಿವೇಶನ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ನಡೆಸಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿನೂ ಇದೇ ಐಲಾನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ತಾವು ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜನ ಮೌಲಾನಾ ಕಾಸ್ಮಿ ಸಾಬ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಶಕೀಲ್ ಕಾಸ್ಮಿ ಬಿಜಾಪುರ್ ವತಿಯಿಂದ, ಆಮೇಲೆ ಸೈಯದ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಕ್ಸೂದ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮೋರ್ಚಾ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೂ ದಾಸಾರಾಮ್ ನಾಯಕ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ BMP ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಿಲ್ಲಿಯಿಂದ, ಮೌಲಾನಾ ಫಹೀಮ್ ಉಮ್ರಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೂ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಖಾಜಾ ಅನೀಸ್ ತೆಲಂಗಾಣದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಉಷಾ ದಾಸ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ದಿಲ್ಲಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಮೌಲಾನಾ ಫೈಸಲ್ ಸಾದಾತ್ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಹಾಬರಿ ಸಾಹೇಬರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಲಾವುದ್ದೀನ್ ಪುಣೇಕಾರು, ಮಹೇಶ್ ಕ್ಯಾತನ್ನು, ಈ ಥರ ಸುಮಾರು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಿಜಾಪುರದಿಂದನೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದನೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯಘಟಕದಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ್ದು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಪೆಂಡಾರಿ, ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ SNews ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.